अपरिमेय संख्या आती है, ठीक है, पूर्णांक आते हैं, पूर्ण संख्या आती है और प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या आती है, ठीक है। ये सारी किस में आती है? वास्तविक संख्याओं में आती है। थोड़ी सी वीडियो इसमें हो रही है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा जो संख्या, बच्चों आज हम करेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं होती है जो क्लास के टेंथ है उसका पहली प्रश्नावली होती है। अपने क्लास टेंथ का जो आज है वो सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, पहली प्रश्नावली से हर एक के क्वेश्चन कराऊंगी और पूरा बुक कंप्लीट करेंगे। अपने डेली वीडियो आएगी, ठीक है। उसमें वास्तविक संख्याएँ में परिमेय संख्या आती है, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक। परिमेय संख्या होती है जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और q इज इक्वल टू नॉट जीरो, ठीक है। परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में लिखते हैं, q इज इक्वल टू नॉट जीरो होता है। हमेशा ध्यान रखना, जो भी जैसे वर्गमूल में कोई संख्या होगी, जो अगर बाहर आ गया, चार का वर्गमूल कितना है? दो है, तो बाहर आ गया तो ये परिमेय संख्या। अंडरूट तीन है तो बाहर नहीं आया तो ये परिमेय संख्या नहीं है, वो परिमेय संख्या कहलाती है। उसी अपरिमेय संख्या होती है जिसको अपने किसी भी अंडरूट हो गया उससे बाहर नहीं निकाल सकते, तो वो क्या कहलाती है? सारी अपरिमेय। पूर्णांक होंगे जो प्लस में होंगे और माइनस में होंगे, जिसे पाँच हो गया, माइनस के आठ हो गए, ये सारे पूर्णांक कहलाते हैं। और पूर्ण संख्या होती है जो जीरो से लेके अनंत तक होती है, जो जीरो से स्टार्ट, पूर्ण संख्या हमेशा जीरो से स्टार्ट होगी और जो प्राकृतिक संख्या होती है वो एक से लेके अनंत तक होती है। यानी पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है लेकिन जो प्राकृतिक संख्या होती है वो अनंत से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये होती है, इन सभी को मिलकर अपने, ये जब सारी किसी संख्या में आ जाती है तो उसे अपने बोलते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। तो आज अपने जो टॉपिक करेंगे वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड के गुणनफल के रूप में अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंड विधि से कौन सा है? अभाज्य गुणनखंड विधि के गुणनफल ज्ञात करनी है। इसका मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड करना है किसी भी संख्या का, ठीक है। तो किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड अपने कैसे करते हैं, आपसे ये वीडियो, ठीक है। किसी भी संख्या का अपने अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, अब मान लो पहला क्वेश्चन है। अब मैंने यहाँ पे नाम लिखा है अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं थोड़ा सा ऊपर अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। किसी भी संख्या का अपना अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 140, सेकंड आता है अपना 80, 25 और थर्ड आता है अपना 5005, ठीक है। ये सारे आ गए, इसके अपने को क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक है। अब 140 के गुणनखंड कैसे करते हैं? गुणनखंड आते हैं सभी को करने 140, दो की टेबल पे जाएगा कितना आएगा? 70, फिर दो की टेबल पे जाएगा 35, फिर दो पे जाएगा नहीं, फिर पाँच पे जाएगा 7 और 7 का पर जाएगा 7। तो इसका गुणनखंड क्या आ गया? 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है, ये आ गया। लेकिन इसको अपने पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। पावर के रूप में कैसे लिखेंगे? किसी भी संख्या को पावर के रूप में अपने कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखो, 2 की पावर कितनी है? 2 × 5 × 7 ऐसे लिख सकते हैं। जब इसका गुणा किए रहेंगे तो 140 ही आएगा। ये किसी संख्या का क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। इसी तरह अपने करेंगे 3825, किस पे जाएगा? सबसे पहले 3 × 3, फिर 3 × 2 = 6, 2 × 7 = 21 और 5 × 3 = 15, फिर 3 पे जाएगा 4 × 3 = 12, 3 × 2 = 6 और 5 × 3 = 15, ठीक है। फिर नहीं जाएगा, फिर जाएगा 5 पे, 8 × 5 = 40, 5 × 5 = 25, फिर 8 × 5 पे जाएगा, 5 × 5 = 17, फिर 17 पे जाएगा। तो इसका क्या होगा? 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ठीक है। तो यानी 3 की पावर कितनी है? 2, 5 की पावर कितनी है? 2 और 17, जब गुना करेंगे तो कितना आएगा? 38, 25। ये इसका किसी भी संख्या का क्या होता है? गुणनखंड होता है,
ठीक है, समझ आया यहाँ तक सभी को? फिर अपने करते हैं 5500। अब देखो ये किस पे जाएगा, अब अपने को वैसे तो लग नहीं रहा कि किस पे जाएगा, तो ये सबसे पहले जाएगा 5 पे, कितना आएगा 001, फिर जाएगा 7 × 7, 3 × 7 = 28, 7 × 3 फिर ये जाएगा 7 × 3 = 21, फिर जाएगा 11 पे, 11 × 11 = 33, फिर जाएगा 11, तो इसका गुणनखंड है 5 × 7 × 11 × 13, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 5500। अब इसमें कोई पावर तो बन नहीं रही है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, गुणनखंड होगा। तो इस तरह बच्चों अब अपने करेंगे HCF और LCM, दो संख्याएं दी हुई है उनका HCF ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इनके अपने गुणनखंड करेंगे, 2 से किया फिर 13, 13 × 13 किसी किया 1, इसी तरह 91 को किया, 7 पे जाएगा 13 और 13 से करेंगे 13, ठीक है यहाँ तक हो गया। फिर अपने क्या करेंगे, इसका HCF ज्ञात करेंगे। HCF होता है जो दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन कितना आ रहा है 13, और LCM कैसे होगा, जो दोनों में कॉमन है वो 7 में, इसमें कितना बचा 2, ऊपर वाले में कितना बचा 7, तो कितना हुआ 182, ठीक है यहाँ तक आ गया समझ। अब अपने को क्या करना है कि सिद्ध जाँच करनी है कि जाँच के लिए क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM, ठीक है, दो संख्या कौन सी है 26 × 91 और बराबर HCF कितना है, LCM कितना है 182, गुना करोगे कितना आएगा 23×66 और इनका गुना करोगे कितना आएगा 23×66, तो मतलब दोनों क्या है बराबर है, ठीक है। तो इस हिसाब से ही अपना फर्स्ट क्वेश्चन होता है HCF। इसी तरह सेकंड है इसी का 510, और सेकंड है इसी का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है 510 और 92। तो पहले अपने निकालते हैं 510 का, किस पे जाएगा 5 पे, 5 × 5 फिर दूनी, ठीक है। फिर अपने इसको कैसे करेंगे 510 को, 510 को, ठीक है, तो फिर ये जाएगा तुम्हारा 2 × 51, फिर जाएगा 3 पे, 3 × 3 = 7 = 21, फिर ये जाएगा अपना 17 पे, ठीक है। तो यानी 510 का क्या हुआ 2 × 3 × 5 × 17, यहाँ तक हुआ। वो वीडियो फिर जूम हो गई, ये वीडियो जूम बहुत हो रही है, इसका क्या कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अपने निकालेंगे 92 का, 92 का पहले 2 से जाएगा, फिर जाएगा 23 से, फिर जाएगा 23 से, फिर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 92 का कितना आया 2 × 2 × 23, तो HCF कितना आया, HCF होता है दोनों में, एक तो 2 कॉमन है इंटू बाकी कुछ नहीं है, तो HCF कितना आया अपना ओनली 2 आएगा, और LCM कितना आएगा, LCM 2 तो है ही है, साथ में कितनी है 3 × 5 × 17 और साथ में इंटू 2 × 23, तो इस पूरे को जब अपने गुना करेंगे, गुना करो या नहीं करो, गुना करेंगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ 23460, ठीक है यहाँ तो। अब अपने को सिद्ध करना है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी 510 × 92 बराबर होगा 2 × 23460, कितने करेंगे 0, 2, 9, 6 और 4, इनका गुना करेंगे तो सेम आएगा 600, यानी ये क्या हो गया अपना सिद्ध हो गया, यानी दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF × LCM होता है, ठीक है। तो ये था अपना सेकंड क्वेश्चन, और इसी तरह सेकंड क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन है, वो आप खुद करना, ठीक है, क्योंकि खुद तो अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे मैथ की, तभी क्वेश्चन अपने को क्या होंगे सोल्व होंगे। अब आता है अपना इसी प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करो, HCF व LCM ज्ञात करो। अभी दो पहले अपने ने एक संख्या का किया था, पहला क्वेश्चन एक संख्या का था, सेकंड क्वेश्चन दो संख्या का था, और तीसरा जो क्वेश्चन है वो तीन संख्याओं का गुणन है, ठीक है, तीन संख्याओं का गुणन है। तो तीन संख्या, पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21, ठीक है। तो पहले अपने 12 का निकालते हैं, 2 से किया फिर 2 से किया फिर 3 से किया 1,
इसी तरह 15 का निकालते हैं, 3 से किया, 5 से किया, फिर 1, और फिर निकालते हैं अपने 21 से, फिर 3 से किया, फिर 7 से किया 1। अब देखो इसका निकालो, पहले 12 का, फिर 15 का, फिर 21 का, ठीक है। 12 का कितना था, 2 × 2 × 3, 3 × 5 और 3 × 7। तो एच सी एफ सभी में कॉमन क्या रहा है, 3 आ रहा है ना, तो 3 होगा। एल सी एम 3 तो है ही है, यानी ये 3 तो सभी में है, पीछे क्या बच गया, 2 × 2 × 5 × 7। तो इसका जब अपने गुना करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 420। यानी एल सी एम एच सी एफ कितना आ गया, 3, और एल सी एम कितना हो गया, 420। ऐसे अपने किसी भी संख्या का क्या करते हैं, एच सी एफ, ची 2 हो, ची 3 हो, कोई 4 हो, 5 हो, उस हिसाब से अपने किसी भी संख्या का क्या करते हैं, एच सी एफ और एल सी एम ज्ञात करते हैं। अब अपने ज्ञात करेंगे 3 संख्याओं का। सेकंड क्वेश्चन है ये, सेकंड क्वेश्चन का अपने सेकंड क्वेश्चन का होता है 17, 23 और 29। देखने से 17 खुद की 17 की टेबल में आता है, एक 23 है वो 23 की टेबल में आता है, एक, और 29 है वो 29 की टेबल में आता है, तो एक। तो एच सी एफ कितना है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब एक है। और एल सी एम क्या है, यानी 17 × 23 × 29। जब इसका गुणनफल अपने गुना करेंगे कितना आएगा, 13339। ये हो गया एच सी एफ। एल सी एम कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब एक कॉमन है, तो इस हिसाब से अपने करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना थर्ड क्वेश्चन कि अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी संख्याओं का एच सी एफ और एल सी एम ज्ञात करना। अब एक आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा है, एच सी एफ, एच सी एफ संख्या कौन सी है, 306 और 657 का एच सी एफ कितना दिया हुआ है अपने को, 9 दिया है, ठीक है। तो एल सी एम ज्ञात करो, एल सी एम ज्ञात करो, ठीक है। अब इसको कैसे हल करोगे, अब देखो एच सी एफ क्वेश्चन क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एच सी एफ इंटू एल सी एम। दो संख्याएं कौन सी है, 306, एक है गुणनफल, बीच में गुना का निशान लगाएंगे, 576 इज इक्वल टू एल सी एम। तो एल सी एम अपने को क्या करना है, ज्ञात। तो एल सी एम ज्ञात करने के लिए 306 × 657/9, जब इसको भाग देंगे तो एल सी एम अपना कितना आ जाएगा, एल सी एम आ जाएगा 22, 22, 338। ये आ गया किसी भी संख्या का एल सी एम ज्ञात करना, ठीक है। तो आगे इसमें कोई 3 क्वेश्चन हैं जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, तो ये अपनी होगी फर्स्ट प्रश्नावली कंप्लीट, ठीक है। कल अपने लेके आएंगे सेकंड प्रश्नावली।